इस खबर के प्रायोजक है ब्राइटल लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट। आइए मिलकर करें बकरी फार्म उद्योग की शुरुआत। कंपनी द्वारा अच्छे नस्ल की बकरी की उपलब्धता कराई जाती है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। केंद्रीय पत्रकार हेल्पलाइन एसोसिएशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनीस अंसारी ने पीड़ित महिला काजल पुरानी काशी राम कॉलोनी पारा की रहने वाली थी। पीड़ित महिला काजल की बेटी 1 साल की थी, जिसकी पैदाइशी मुंह में तालू में काफ़ी दिक्कत थी। इसके इलाज के लिए काफ़ी भटकने के बाद 6 महीने परेशान थी और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, जिसको देख केंद्रीय पत्रकार हेल्पलाइन एसोसिएशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनीस अंसारी ने पीड़ित महिला काजल की बेटी परी 1 साल की थी उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज के सामने सिर्फ हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर उसका ऑपरेशन करवाया। वरिष्ठ पत्रकार मोनू श्रीवास्तव के सहयोग से ऑपरेशन सफल हुआ और पीड़ित परिवार को एक नई रोशनी दिखी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इस अथक प्रयास के लिए बेटी की मां ने अपने घर पर बुलाकर हमको और हमारे साथियों को बहुत बहुत बधाई दी। पत्रकार बंधु भी घर जाकर काफ़ी सम्मानित साथियों ने मुलाकात की और केंद्रीय पत्रकार हेल्पलाइन एसोसिएशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनीस अंसारी व राष्ट्रीय पत्र जन क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय व राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री फौजी किशन लाल गोडा व बहुजन सुरक्षा सेना के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश साजन व जिला अध्यक्ष माही व लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल की श्रीमती मेनिका रावत व लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल के कैमरामैन संतोष कुमार, समाज सेवी श्रीमती मुबारकुन अंसारी व राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती ममता मिश्रा व एकता वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक राजेश वर्मा परिवार को बहुत बहुत बधाई दी और किसी प्रकार की कोई परेशानी आने पर साथ देने का आश्वासन दिया। कई अन्य समाजसेवी उपस्थित रहे। सबका साथ सबका विकास वाली नीति को हम सभी समाजसेवी ने समाज में किसी प्रकार की समस्या को निपटाने के लिए रात और दिन तैयार रहते हैं। यही नहीं, बहुजन समाज पर किसी प्रकार का कोई अन्याय अत्याचार शोषण मानसिक प्रतारण अगर पत्रकार एसोसिएशन को सूचना मिलती है तो थाने से लेकर न्यायालय तक न्याय देने के लिए तत्पर केंद्रीय पत्रकार हेल्पलाइन एसोसिएशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनीस अंसारी एवं हमारी पूरी टीम साथ देती है और तब तक साथ देती रहेगी जब तक पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाए। उन्नाव से जैगम नकवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन न्यूज बिहार।